अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास एक पैसिफिक कंपनी का स्केल आया है। इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये मैं आज इसका मसला हल करूँगा। उसके अलावा मैं आज इसकी आपको कंप्लीट सेटिंग बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डेड वेट जब मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये 5 kg का डेड वेट है। लेकिन इसके ऊपर ये 5 kg को 5 kg 76 ग्राम जो है ये शो कर रहा है। तो ये कहीं पर भी आप रखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 78, क्योंकि मिनिमम ये 2 ग्राम प्लस माइनस है इसका, ये 76 इतना ये बता रहा है। तो आज हम इसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे। इसकी आप देख सकते हैं कि टोटल कैपेसिटी जो है ये 35 kg है और मिनिमम 2 ग्राम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 35 kg पढ़ सकता है और मिनिमम 2 ग्राम पढ़ सकता है। तो आज हम इसकी कंपनी की कैलिब्रेशन करेंगे। तो ये जितने भी ज़्यादा इस तरह के स्केल हैं उन सब की कैलिब्रेशन का जो तरीके है वो तकरीबन सेम है, लेकिन अगर उसके कोड मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैंने उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो एक बनाई हुई है, ऑल वेइंग स्केल कैलिब्रेशन कोड बाय केयर इंटरनेशनल स्केल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। और ऊपर आई बटन आ रहा है यहाँ पर, ये इधर करके आई बटन आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ से भी आप इसके ऊपर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं ऑल वेइंग स्केल कैलिब्रेशन कोड। उसमें जितने भी कोड हैं सारी कंपनियों के कोड मैंने उसमें रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कोड एंटर करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें। साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। कोड इसका जो कोड है ये मैं आपको बताता चलूँ, इसका है 3658, उसके बाद टीयर, उसके बाद फिर 1, फिर टीयर के बटन को हम प्रेस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल लिखा हुआ आ गया है। उसके अलावा यहाँ पर 2 पुट, यहाँ पर जो पुट की ऑप्शन है तो हमने डेड वेट को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। ये 5 kg का डेड वेट, ये आप देख सकते हैं कि 5 kg का डेड वेट है, ये मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा टीयर के बटन को प्रेस करूँगा। ये टीयर के बटन को मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे कॉल 3 in लिखा हुआ आ गया, यानी इनका मतलब है कि जितना डेड वेट हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है वो यहाँ पर हमने लिख देना है। अभी 5 kg का क्योंकि डेड वेट है तो मैं यहाँ पे 5 kg लिख देता हूँ। 5 के बाद 3 इसके डेसिमल हैं। उसके बाद मैं फिर टीयर के बटन को प्रेस करूँगा, ये इसकी फुल आ गया, फुल इसकी टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी जो है इसकी वो तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि 35 kg थी। तो यहाँ पर मैं 3.1233 इसके 0 लिख दूंगा, यानी टोटल इसकी 35 kg इसकी कैपेसिटी बन जाएगी। उसके बाद जो है मैं फिर टीयर के बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 5 आ गया है। 5 के बाद मैं फिर यहाँ पे टीयर के बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे FD आ गया है, डिवीजन वो मैं चीज कोई भी नहीं चीज़ छेड़ूंगा। फिर मैं करूँगा तो इसकी कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5.000 यानी 5000 ये बता रहा है, यानी 5 kg 5 kg 0 ग्राम, यानी पहले जो है ये ज़्यादा बता रहा था, मैं 5 kg को ऊपर से हटा दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं 0 भी हो गया है। उसके बाद मैं फिर 5 kg को ऊपर रख दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये 5 kg बता रहा है। तो इन सब स्केल जो हैं इन सब की कैलिब्रेशन तकरीबन सेम है। पासवर्ड जो है वो अगर आपको चाहिए होगा तो पासवर्ड के लिए मैंने पूरी एक अलहदा वीडियो बनाई हुई है, वो उससे वो वहाँ से आप देख के इन सब स्केलों की कैलिब्रेशन वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इस तरह के बहुत सारे स्केल हैं। अगर आप इस तरह के स्केल परचेज करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्यूआ का भी स्केल है। उसके अलावा इको कंपनी का स्केल है, ये जो स्केल है ये सारा यानी स्टील बॉडी में बना हुआ है। उसके अलावा ये लोकल स्केल भी हमारे पास काफ़ी, ये आप देख सकते हैं ये लोड सेल वगैरह, और ये काफ़ी सारे हमारे पास स्केल पड़े हुए हैं। तो अगर आपको किसी किस्म के स्केल की रिपेयरिंग वगैरह करवाना चाहते हैं
ये एवरी वेट्रॉनिक्स का भी हमारे पास स्केल है। अगर आपको किसी किस्म के स्केल की रिपेयरिंग वगैरह करवाना चाहते हैं या कोई स्केल न्यू परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर और बताते रहें कि आप हम लोग आप लोगों के साथ किस किस तरीके की वीडियो बनाते रहें। तो अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अगर आप लोग विंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या अगर आप विंग स्केल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।